निश्चित रूप से अपने गोल मिटा दिए बड़ा डिफिकल्ट गोलकीपर लगे तो बात लाने ने पहली गोल ला तैयारी हार लुंगी ना थोड़ा गन सफर ना भाई बड़ा चुपला राज प्लस टू पाकू टीम होकर तो ही तीसरा में से गति ला जूनियर स्टार होटिंग बहा पाकुड़िया टीम साव उड़िया मुकाबला हो लेते हैं अतोंडे होटिंग बहा पाकुड़िया का मजबूत टीम बेटा बैर भाई नानी जंग रहे सुनी सुनना बराबर रहे मैच की मुचल दा मैं कहें ट्राई दे करते हैं राज प्लस टू पाकू टीम दो क्वार्टर लगे यह जगह क्वालिफाई का और डोलन जेल का नुकुर अपोनेंट टीम एफसी चंपानगर टीम तेही नुका दो चौथा मैच को गति ला और नुकुर नुकुर का गति लें चौथा मैच चंपानगर टीम और एफसी धरती बगान साहेबगंज तो कहीं ना कि नुका दो बनाई गया वो धरती बगान साहेबगंज मीटे मजबूत टीम हराव के तहत बोला हम पे गोल थे हराव के तहत कहीं ना कहीं को हम क्वार्टर में अपना जगह को क्वालिफाई का तो निश्चित गया उन्हें बड़ा टीम का सफर नवा नहीं बेहतर गया और नवा क्वार्टर मैच रहा देगी मजबूत कॉन्टेस्ट और देखने लायक मैच ये बात राज प्लस टू पाकुर टीम समानांतर पास उन्हें कौन पहल गोल ला तैयारी रामचंद्र ने मौका जमा मेन खान सही सरबाग मेन खान राइट में गैर उन्हें कौन दिलीप मरली टाइम से पास लगा होगा नहीं तुम्हारे चुके के तिलगी बबलू लगे बबलू आप पास उन्हें कौन आरबी दमक रहा बंद तैयारी उन्हें मौका हुआ जरूर हाँ नहीं तो सिपुआ सौर मेन खान क्रॉस बार जितांते इसी बीच में इस बार सुदन के क्षेत्र में सुदन वासी एक खेल को ड्रिबल करने का प्रयास बहुत ही सुंदर लेकिन उनको खींचने का प्रयास गलत तरीके से और इसी बीच में अच्छा सा पास प्लेआउट का संकेत पीछे की ओर पास बढ़ाने के बाद लेकिन बहुत ही सुंदर वास गेंद को वापसी करने का प्रयास रमेश मरंडी की स्टार खड़ी ने वह गेंद को पास बढ़ा दिया प्रेस सपोर्टिंग के क्षेत्र में कोनल का पास अपने शरीर के खिलाड़ी वहां लेफ्ट को पास बढ़ा दिया है बहुत ही सुंदर इसी बीच में एक लड़को ड्रिबल करने का प्रयास तेज रन लगाते हुए चार गोलकीपर राज प्लस टू पाकुर टीम से कौन स्टेफन हेबरम और चंपानगर टीम से कौन लखिंदर टूडू सुभाष बड़ी ने पाए समांतर पास बैंक का उन्हें कहीं ना कहीं मीटिंग हैंड फाउल बेहतर उन्हें फ्री किक का ऑप्शन सिपा शॉट मेन खान बेहतर पंच आउट हार बंक का डेट टाइम से हेडर का आरेख चुकी गतिलेगी रामचंद्र ने कौन बॉल पास बढ़ाना प्रयास मेन खान दिलीप मरंडी लगी दिलीप तो ने कौन हड़ी बेहतर संबंध दूसरा उन्हें रामचंद्र मेन खान सही शॉट बांग नहीं दम हो मेन खान होल्डिंग मिडफील्डर एक खिलाड़ी बड़ा टीम से कम जल खान हर टीम मेहनत को लगा होगा बॉल सप्लाई लगी इनमें देखो प्ले आउट ना संकेत मेन खान ये दम सील करना मौका को बिना दले का समय चंपानगर टीम पहल गोल ला तैयारी अच्छा मोमेंटम बना रहा प्रयास मेन खान थोड़ा गन में तयम खोन बॉल जितम रहा प्रयास ये ला हार माना नती लेकिन होगा सुदन कितना बेहतर शॉट जमाएंगे बहुत ही सुंदर शॉट इसी बीच मौका हो सकता था लेकिन खतर डल गया है और एक बार अच्छा सा शॉट मौका बनाने का प्रयास लेकिन खतरा डल गया है दिलीप का अच्छा सा हेडर लेकिन इस बार समानांतर पास गेंद को लपेट शॉट के मदद से गेंद को खेल लिया है इसी बीच सुभाष होल्डिंग मिडफील्डर से बहुत ही सुंदर वहां दिलीप मरंडी को खेल दिया है दिलीप इस बार लंबा पास रामचंद्र के क्षेत्र में गया चप्पनगर टीम विक्रांत का हेडर बेकर सुदन लगी बॉल सुदन ने कौन मिटे अच्छा मोमेंटम बनाना प्रयास शॉट हिट रहे उन्होंने मिटे दंदनाता हुआ शॉट बेकर सुंदर ब्लॉक आउट स्टेफन हेमरमा सुंदर उन्हें बचाव निकला और डिनर पर शॉट बेनकन बॉल वापसी ना प्रयाग रहे बेनकन आर्मी दम देखो छोटे लगाओ कौन ने मौका हो गया बेनकन
इस बार रमेश ब्रांड को बाहर बुलाया जा रहा है और उसकी जगह पर जर्सी नंबर 5 कृष्णा ब्रांडी और कहने की सुगन बहुत ही सुंदर शॉट लेकिन सुंदर बचाओ स्टीफन हेमरम के द्वारा ये ग्रीक्सली बॉल को बचाव किया है स्टीफन हेमरम ने। इतना बेहतर छलांग लगा के वहां स्टीफन ने गेंद को ब्लॉक आउट किया एक लाजवाब कीपिंग स्टीफन हेमरम के द्वारा अर्जुन ब्रांडी का लंबा शॉट शिव मुर्मू के क्षेत्र में इस बार सुरेश अपना प्लेन को चेंज करते हुए वहां गेंद पास बढ़ाने का प्रयास लेकिन ऐसे में वहां एक भिड़न और ऐसे में लेकिन तो पांच जुना का नुकर पता टीम से कौन टीम रासर अमेश मेनकन वार्म बेस में कहना मुश्किल गया कब होकर है टीम से कौन कभी भी उन्हें गोल हो इधर यार मेनकन टाइम से पास उन्हें कृष्णा लगी नीट नीट की बलाओं कर खिलाड़ी कृष्णा परंडी शिपो मनुवा भी बेहतर क्रॉस मेनकन नीत भी बॉल पोजीशन सुबास अर्जुन परंडी ने कौन लंबा क्लियरेंस टाइम से उन्हें गति इधर रामचंद्र वाल अब अपने पास उन्हें को बड़ी नपाय उन्हें मिटे न अच्छा मोमेंटम बनाना प्रयास मेन का शहीद शोर बांध आर बंद कर उन्हें को मिटे न अच्छा उसर को बिलाव ले गया राज प्लस टू का गुट्टी और सुभाष पेशे में इस बार बबलू के दोबारा सुंदर रिकवरी बबलू टूडू राइट फील्डिंग से बहुत ही सुंदर गेंद को सप्लाई कर रहा है इस बार चंपानगर की टीम वहां से एक अच्छा मोमेंटम लेने का प्रयास मोमेंटम वहां बना रहे थे लेकिन और सूरज हंसदा के लिए गेंद को पास बढ़ा दिया है इसी बीच सूरज पेचर लगाते हुए इस बार गेंद को पेनल्टी बॉक्स के अंदर क्रॉस लेने का प्रयास लेकिन गेंद अभी तक सुधन के चित्र में सुधन इस बार गेंद को लेने के बाद समरंतर पास बढ़ा दिया है राइट प्लेइंग के चित्र में लेकिन इसे में कृष्णा के लिए गेंद कृष्णा इस बार अपने सपोर्टिंग को तलाशते हुए लेफ्ट फुट छोड़ के अंदर से वहां सूरज को खेला सूरज ने चेस डाउन करने के बाद शिव मनु को पास बढ़ाया इतना बेहतर कॉम्बिनेशन इसी बीच में शिवू का एक अच्छा सा क्रॉस पहला गोल की तैयारी लेकिन तो टूडू का एक अच्छा सा कलेक्शन और कोई मौका नहीं बना राज प्लस टू पाकुड़ टीम के लिए बिहारी के पास गेंद बिहारी ने वहां से गेंद को सरका दिया है हवा हवाई शॉट के माध्यम से लेकिन इस शैलिक तरीके से गेंद को रिकवरी कर लिए कृष्णा परंडी शिवलाल टीम के कैप्टन शिवलाल ने बिहारी को ढूंढ के निकला बिहारी का हेडर लेकिन गेंद जाएगी इस बार स्टीफन हेमरम के ग्लव्स में और सुरेश
वह गेंद को कंट्रोल करने का प्रयास, लेकिन सही कंट्रोल नहीं और चले गेंद टच लाइन से बाहर। संतलाल ने बाजी बीट फिटर को खेला, ऐसे इस बार दिलीप, लेकिन गेंद को चिन्हने के बाद गेंद पोजिशन इस बार चंपा नगर की टीम के पक्ष में गया। चंपा नगर टीम बबलू का एक लंबा, अब हवाई शॉट इसी बीच इस बार आक्रमण की तैयारी, सूरज इसी बीच में एक बार शॉट लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन सही तरीके से वह प्लेस को नहीं बना पाए। सुधन लगी बॉल, सुधन ने बिहारी पास कर दिया, बिहारी देखो तेज रन लगा तो रही, बेन का नीति है रामचंद्र, बेन का बॉल पोजिशन नीति भी सात नंबर फ्रो का खिलाड़ी गोपित टीम में कैप्टन ने संतलाल, बेन का अपने बबलू उतने बेहतर बॉल है वापसी ने, बेन का अनुवाद लाना देखो तेज रन लगा बोला, दिलीप बन लिया ने पास है करा जरूर दर्द में दर्द भी, बेन का गोलकीपर उन्हें पोजीशन और कहते इतनी बेहतर बॉल क्लियर किया, हाँ दवा साहब सुनिए थी कि दवा बेसिला फुल टाइम सील